सीमापुरी दिल्ली का एक ऐसा शहर जहाँ कूड़े का ढेर और बेरोजगारी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ऐसी ही जगह पर नेहा और सुगंधा नाम की दो सहेलियाँ रहा करती थी। सीमापुर बस्ती में सभी लोग गरीब थे और उनकी गरीबी का कारण था कम वेतन और बेरोजगारी। उन लोगों को अगर एक समय का खाना भी मिल जाए तो उनके लिए गनीमत होती थी, क्योंकि कई बार उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। नेहा और सुगंधा अक्सर ही इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए तरीके सोचती रहती थीं, परंतु कम साधन और पहुंच होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाती थीं। आखिर कैसी जिंदगी है ये हमारी, जी भी रहे हैं या नहीं ये भी नहीं पता चलता। इंसान को जीने के लिए तीन वक्त के खाने की जरूरत होती है और हम यहाँ तीन तीन दिन तक भूखे रह जाते हैं। आखिर भगवान को हमसे दुश्मनी क्या है? भगवान को नहीं बल्कि इंसानों को ही हमसे दुश्मनी है, और वो भी अमीर इंसानों को। वो हम जैसे बस्ती वालों को काम ही नहीं देना चाहते, इसलिए हम लोग गरीबी में जीते हैं, गरीबी में ही मर जाते हैं। तू सही कह रही है, ना तो हमारे बारे में ये नेता लोग सोचते हैं और ना ही ये देश की समझदार जनता। नेहा सुगंधा अक्सर ही ऐसी बातें किया करते थे। एक दिन नेहा को बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि वो काफी दिनों से भूखी थी। तभी सुगंधा उसके पास भागती हुई आती है। अरे जल्दी उठ, जल्दी चल मेरे साथ। अरे क्या हो गया, क्यों इतनी जल्दी मचा रखी है? वैसे ही मैंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया, यहाँ खड़े होने की हालत नहीं है और तू जल्दी चलने की बात कर रही है। अरे तेरी भूख का ही इलाज लेकर आई हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, अभी जब मैं उन अमीरों की बस्ती में कचरा बिनने गई थी तभी मैंने देखा कि वहाँ किसी सेठ के यहाँ पर बड़ी दावत चल रही है और शायद अभी भी चल रही होगी। इतने लोगों की भीड़ में हमें कोई नहीं पहचानेगा और हमें खाना खाने के लिए मिल जाएगा, बस तू जल्दी मेरे साथ चल। खाने का नाम सुनकर नेहा के अंदर अलग ही जोश आ जाता है और वो सुगंधा के साथ जल्दी से उस जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ सच में ढेर सारा खाना था। इतना सारा खाना देखे हुए तो बरसों हो गए, ये खाना कितना स्वादिष्ट लग रहा है। जल्दी जल्दी सब कुछ प्लेट में भर लेते हैं, जितना खाया जाएगा ठीक है और बाकी जो बचेगा वो घर ले जाएंगे। दोनों सहेलियां प्लेट में खाना भरने लगती हैं कि तभी एक औरत उन्हें देख लेती है और कहती है, इतनी वेल मैनर्ड सोसाइटी में ये दो कचरे वाली कहाँ से आ गयी? अरे तुम दोनों कौन हो? मैंने ये पार्टी अमीरों और हाई क्लास लोगों के लिए रखी है, तुम जैसे कचरे वालों के लिए नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मैडम हम तीन दिन से भूखे हैं और खाने की तलाश में हमें ये जगह दिख गई। हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए, हम यहाँ से खुद चले जाएंगे। अरे ये लोग बहुत ही ढीठ और बदतमीज होते हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। इन्हें रस्सी से बांध कर मारो और सबक सिखाओ, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी और अगली बार यहाँ आने की सोचेंगे भी नहीं। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसके बाद सेठानी के नौकर नेहा और सुगंधा दोनों को बांधकर उनकी काफी पिटाई करते हैं और उसके बाद उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। भूखे पेट ऐसे ही चोट खाकर दोनों सहेलियाँ बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं। न जाने ये अमीरों का कलेजा कैसा होता है, हम जैसे बेचारे बच्चों को पीट दिया जबकि हमने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था, केवल खाने की ही तो मांग की थी। ये अमीर ऐसे ही होते हैं, बेशक बाल्टियां भर भर के खाना फेंक देंगे लेकिन हम जैसे गरीब अगर मांगे तो उन्हें लात मार कर भगा देते हैं। ना जाने भगवान हमें किस बात की सजा दे रहे हैं, इससे अच्छा तो वो हमें अपने पास ही बुला लेते। तू चिंता मत कर नेहा, अगर हम इतनी तकलीफ सह रहे हैं मतलब भगवान ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा सोच रखा होगा। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। एक दिन सुगंधा और नेहा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए अपनी अपनी कुल्हाड़ियां लेकर जाती हैं। यहाँ तो आसपास कोई भी सूखा पेड़ नहीं दिख रहा, आगे चलते हैं, आगे सूखे पेड़ भी मिल जाएंगे और आगे शहर का भी रास्ता है। वैसे भी गांव में लकड़ियां बेचकर हमें इतने पैसे नहीं मिलते, अगर शहर में बेचेंगे तो कुछ रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। बात तो तेरी सही है। इसके बाद दोनों सहेलियां थोड़ा आगे बढ़ती हैं और उन्हें सूखे पेड़ मिल जाते हैं। वो उन्हें काटने लगती हैं, तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, कोई है क्या, बचाओ मुझे। दोनों सहेलियां इस आवाज का पीछा करने लगती हैं, तभी वो पेड़ के पीछे से देखती हैं कि दो चुड़ैलों ने एक परी को पिंजरे में कैद कर रखा है और वो जोर जोर से हंस रही हैं।
अब इस परी का खून पीकर हम दोनों हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी और हम दोनों इस परी की तरह खूबसूरत भी हो जाएंगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और साथ ही साथ हमारे पास इसकी ये जादुई छड़ी भी है। इसे मार कर तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। कोई है? कोई तो मेरी जान बचाओ। परी की ऐसी हालत देखकर सुगंधा और नेहा को उस पर दया आ जाती है और वो अचानक से ही चुड़ैल पर पीछे से हमला कर देती हैं। कुल्हाड़ी की चोट से दोनों चुड़ैलें बहुत ज्यादा घायल हो जाती हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगती हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। पहले परी की छड़ी वापस करो। चुड़ैल बिना सोचे समझे वो छड़ी सुगंधा के हाथों में दे देती है और इसके बाद दोनों चुड़ैल डरकर वहाँ से भाग जाती हैं, जिसके बाद नेहा और सुगंधा मिलकर परी को उस पिंजरे से आजाद कर देती हैं और उन्हें उनकी वो छड़ी दे देती है। आप ठीक तो है ना परी जी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो भी तुम दोनों की वजह से। तुम दोनों सच में बहुत ही बहादुर हो। तुमने इन दोनों चुड़ैलों का सामना कर लिया, वो भी बिना किसी जादुई शक्ति के। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये सुनकर दोनों सहेलियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। तभी नेहा परी से पूछती है, वैसे आप तो परी हैं, आपके पास इतनी सारी शक्तियाँ होंगी, फिर आप इन दोनों चुड़ैलों की कैद में कैसे आ गईं? मैं वन बिहार के एक परी लोक से धरती लोक पर आई थी और मेरी सारी शक्तियाँ मेरी जादुई छड़ी में बसती हैं। इन दोनों चुड़ैलों की नज़र मुझ पर थी। अचानक एक पेड़ पर मेरी छड़ी फंस गई और वो मेरे हाथ से छूट गई। वो मौका देखते ही इन लोगों ने मुझे कैद में बंद कर दिया और मेरी छड़ी मुझसे छीन ली। परंतु तुमने आकर मेरी जान बचा ली, नहीं तो ये दोनों मुझे बस मारने ही वाली थी। ये तो हमारा फर्ज बनता है परी। मैं तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, हमारी बस्ती गरीबी से भरी पड़ी है। हमारी बस्ती में हर कोई गरीब है और गरीबी के कारण दुखी भी है। किसी को एक टाइम का खाना मिल पाता है तो किसी को वो भी नहीं। क्या आप हमारी पूरी बस्ती की गरीबी दूर कर सकती हैं? मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन गरीबी दूर करने का केवल एक ही मंत्र है और वो है मेहनत। तुम्हारे बस्ती वालों को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, उससे ही उनकी गरीबी दूर होगी। मेहनत करने के लिए काम भी तो होना चाहिए ना? हमारी बस्ती में कोई काम ही नहीं है और ये अमीर लोग हम जैसे बस्ती वालों को काम नहीं देते। अब आप ही बताइए कैसे हम ये गरीबी दूर करें? परी कुछ सोचती है और फिर अपनी छड़ी को घुमाती है और एक जादुई लहंगा और सैंडल प्रकट करती है और उसे नेहा और सुगंधा को देते हुए कहती है, ये लो, ये जादुई सैंडल और जादुई लहंगा है। पर इससे हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? ये जादुई सैंडल और जादुई लहंगा अपनी ही तरह तुम्हें और भी नई नई तरह के लहंगा और नई नई तरह के सैंडल देते रहेंगे और तुम इन लहंगे और सैंडल को बाजार में बेचकर पैसे कमा सकती हो। सारी बातें समझाकर परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। इसके बाद सुगंधा और नेहा वो जादुई सैंडल और जादुई लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है, परी सच कह रही थी? ये तो इस जादुई लहंगे और जादुई सैंडल को आजमा कर ही पता चलेगा। इसके बाद नेहा और सुगंधा जादुई सैंडल और जादुई लहंगे से कहती हैं, हे जादुई लहंगे, हमें ढेर सारा लहंगा दे दो। हे जादुई सैंडल, हमें ढेर सारी सैंडल दे दो। उन दोनों के इतना कहते ही वहाँ पर ढेर सारे लहंगे और सैंडल का अंबार लग जाता है। इसके बाद वो दोनों उन लहंगों और सैंडल को बाजार में ले जाती हैं और उन्हें बेचने लगती हैं। इतने सुंदर सुंदर लहंगे और सैंडल होने के कारण उन्हें बिकने में समय नहीं लगता और उन दोनों की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। परी तो सच में बहुत ही कमाल की निकली। हाँ सुगंधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, परी ने हमें सच में बहुत ही कमाल की चीज दी है। अब हम इसका इस्तेमाल अपने ही लिए नहीं बल्कि पूरी बस्ती की गरीबी दूर करने के लिए करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके सुगंधा और नेहा कपड़ों की एक होलसेल दुकान और फैक्ट्री खरीद लेती हैं, जिसमें वो अपने सभी बस्ती वालों को रोजगार दे देती हैं। उनके कपड़े और सैंडल की क्वालिटी अच्छी होने के कारण उनका सामान काफी अच्छे दामों में बिकने लगता है। साथ ही साथ उनके डिजाइन नए होने के कारण मिडिल क्लास से लेकर अमीर लोग भी उन्हें खरीदने लगते हैं और इस तरह सुगंधा और नेहा मिलकर
उस जादुई लहंगा और जादुई सैंडल की सहायता से अपनी पूरी बस्ती को गरीबी से बाहर लाने की एक जंग छेड़ती हैं और साथ ही साथ उस परी का भी धन्यवाद करती हैं। खूनी नंद। मोनिका आज बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि आखिर इतने लंबे समय के इंतजार और इतनी कोशिशों के बाद उसकी और उसके प्यार की जीत हो गई थी। आखिरकार उसकी और मानव की शादी हो गई थी। आज उसका उसके ससुराल में पहला दिन था। वो सुबह सुबह उठकर ही सबके लिए नाश्ता बनाती है और खाने के टेबल पर लगाती है। नाश्ता चककर मोनिका की नंद आरोही कहती है, भाभी ये आलू के पराठे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। वैसे आपने जो ये चुकंदर का जूस बनाया है किसी इंसानी खून से कम नहीं लग रहा। आरोही की बात सुनकर मोनिका थोड़ा डर जाती है, जिसके बाद आरोही हंसते हुए कहती है, अरे भाभी डरिए मत, मैं तो मजाक कर रही थी। तभी मोनिका की सास सुलेखा कहती है, अरे बहू तू इस आरोही की बातों को सीरियसली मत लिया कर, ये तो बस जो मुंह में आए वो बोल देती है। खाना खाने के बाद मोनिका के ससुर और सास उसे शगुन का लिफाफा देते हैं, जिसे पाकर मोनिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हाँ थोड़ी देर के लिए उसे अपने नंद की बातें अजीब तो लगती है, लेकिन फिर वो उस बात को भूल जाती है। कुछ समय ऐसा ही बीतता है। फिर एक दिन जब मोनिका आरोही के बैग से उसका टिफिन निकालकर रसोई में धोने जाती है, तभी वो देखती है कि उस टिफिन के अंदर कुछ हड्डियां हैं। ये देखकर मोनिका हैरान रह जाती है और मन ही मन सोचती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे अलावा तो इस घर में कोई नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं, और माँ जी ने कहा भी था कि आरोही को तो नॉन वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर उसके टिफिन में ये हड्डियाँ कैसे मिल सकती है। मोनिका को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर उसे ये बात अपने साथ से पूछना सही नहीं लगता, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन जब आरोही कॉलेज से घर वापस आती है तो मोनिका टीवी देख रही होती है कि तभी अचानक मोनिका की नज़र आरोही के हाथों पर पड़ती है, जिस पर लाल रंग का कुछ लगा हुआ था। मोनिका भागकर आरोही के पास जाती है और कहती है, आरोही तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है क्या? अरे नहीं भाभी ये खून नहीं है, ये तो बस पेंट है। वो आज हमारे कॉलेज में पेंटिंग कॉम्पिटिशन था ना, बस इसलिए। आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर आरोही अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन मोनिका का शक गहरा होता जाता है और वो खुद से ही कहती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ आरोही का कॉलेज तो एक मेडिकल कॉलेज है, और मेडिकल कॉलेज में पेंटिंग कॉम्पिटिशन, जरूर कुछ तो बात है जो मेरे नंद के बारे में अजीब है, मुझे ये बात पता लगानी ही होगी। इसके बाद मोनिका आरोही पर नजर रखने का ठान लेती है। फिर एक दिन मोनिका अपना काम निपटाकर आरोही के कमरे के पास जाती है तो देखती है कि आरोही का कमरा अंदर से बंद है। मोनिका वहाँ पर काफी देर तक खड़ी रहती है, फिर जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे आरोही के किसी से फोन पर बात करने की आवाज आती है। ये तो तू भी जानती है कि मैं खूनी हूँ, मुझे खून बहुत पसंद है। मैं जब तक खून ना देखूं, मेरी आंखों और दिल को चैन नहीं मिलता। मुझे अपना अगला शिकार जल्दी ढूंढना होगा, और अगर शिकार मिलता नहीं है तो शिकार बनाना होगा, क्योंकि आई एम खूनी। मोनिका जो कि ये सब बातें बाहर खड़ी सुन रही होती है, उसके तो हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। उसे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर उसने ये सब क्या सुन लिया। वो फटाफट वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोनिका का पति मोनिका के कमरे में आता है तो देखता है कि वो पसीने से लबालब है और काफी डरी हुई लग रही है, जिसके बाद मानव कहता है, क्या हुआ मोनिका, सब ठीक तो है ना? मोनिका मानव को सब कुछ बताना तो चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे क्या, इसलिए वो झूठ बोल देती है। कुछ नहीं, वो बस मैंने एक हॉरर मूवी देख ली थी इसलिए थोड़ा डर गई थी। तुम्हें कितनी बार कहा है, जब इतना ही डर लगता है तो मत देखा करो, चलो
अब ये कॉफी पियो और अपना दिमाग शांत करो। इसके बाद वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। मोनिका आरोही पर नजर रखना जारी रखती है। एक दिन मानव अपने माँ बाप को लेकर शॉपिंग पर गया होता है। घर पर मोनिका और आरोही अकेली होती है। तभी मोनिका आरोही के कमरे के पास जाती है तो देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला है और अंदर से किसी के गाने की आवाज आ रही है। मोनिका हल्का सा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अंदर आरोही ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं। उसने बहुत ही अजीब तरीके से काजल और लिपस्टिक लगाई हुई है और वो धीरे धीरे गाना गुनगुना रही है। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। फिर जैसे ही आरोही की नजर मोनिका पर पड़ती है तो वो कहती है, अमी तुम्हारे को छोड़ बो ना, अमी तुम्हारे के मार दे बो, फिर तुम्हारा रक्तपान कर बो। आरोही का डरावना चेहरा और उसकी ये बात सुनकर तो मोनिका के होश ही उड़ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपने आप को अपने कमरे के बेड पर पाती है और सब उसके आसपास खड़े होते हैं और आरोही वापस से अपने पहले वाले रूप में ही होती है। आरोही को देखकर मोनिका चिल्लाते हुए कहती है, बचाओ बचाओ मानव, तुम्हारी बहन खूनी है, ये लोगों का खून पीती है, मेरी नंद खूनी है नंद मेरी। मोनिका को ऐसा कहता देख आरोही हंसते हुए कहती है, भाभी मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं। वैसे आई एम वेरी सॉरी जो भी हुआ उसके लिए, लेकिन हाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, जो भी आपने देखा वो सच नहीं था। मैं तो इस साल हमारे सिटी में होने वाले बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस अवार्ड के ड्रामे के लिए प्रैक्टिस कर रही थी जिसमें मेरा रोल खूनी चुड़ैल का था। अच्छा, और जो उस दिन तुम फोन पर खून और खून पीने की बात कर रही थी और मुझे जो तुम्हारे टिफिन से वो हड्डियाँ मिली थी वो क्या था? हाँ भाभी, वो भी मेरी प्रैक्टिस का ही हिस्सा था। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डायलॉग की प्रैक्टिस कर रही थी और रही बात टिफिन से मिली उन हड्डियों की, तो वो मुझे नॉन वेज पसंद नहीं है और मेरे सारे दोस्त नॉन वेजिटेरियन है। वो हमेशा मुझे फोर्स करते हैं नॉनवेज खाने को, पर मैं कहती नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे परेशान करने के लिए वो हड्डियों वाला मजाक किया था। आपने सब चीजों को इस तरह से लिंक कर दिया कि आपके दिमाग में ही ये कहानी बन गई। अब जाकर मोनिका को आरोही की बातें समझ आती है। इसके बाद सुलेखा कहती है, अरे आरोही ये क्या बात होती है, तुझे कितनी बार मना किया है कि ऐसे घर में ड्रामा मत किया कर, देखा तेरी भाभी कितना डर गई, यहाँ तक कि बेहोश तक हो गई। हाँ आरोही, माँ बिल्कुल सही कह रही है, पिछली बार वो तेरे कातिल चुड़ैल वाले ड्रामे की वजह से बेचारी नौकरानी घर छोड़कर ना जाने कहाँ भाग गई थी और अब तेरे इस ड्रामे की वजह से मोनिका इतना डर गई। आई एम वेरी सॉरी भाभी, मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। सारा सच जानने के बाद मोनिका को इसमें आरोही की कोई गलती नहीं लगती, इसलिए वो उसे माफ कर देती है और फिर उसके साथ मिलकर ड्रामे की प्रैक्टिस में उसकी मदद करने लगती है, जिसे देखकर सुलेखा और मानव दोनों ही खुश हो जाते हैं।